दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्लम, देश के फाइनेंशियल कैपिटल के दिल में बसी 520 एकड़ की धारावी में लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल्स और पॉटरी इंडस्ट्री है। इन सब का एनुअल टर्नओवर $1 बिलियन से भी ज्यादा है। 4,000 करोड़ की कीमत की इस लैंड में लोग नालों के साथ रहते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करते हैं, ज्यादा आबादी की वजह से इतना पास रहते हैं कि घरों की दीवारें उन्हें अलग नहीं कर पाती। हर धर्म, जात और एथनिसिटी के लोग एक दूसरे के सुख दुख में शरीक रहते हैं। वो जमीन तेरे लिए पावर होगी, हमारी जिंदगी है। फिल्म के डायरेक्टर पी ए रंजीत, जो रजनीकांत की पिछली फिल्म कबाली के भी निर्देशक थे, वो धारावी में रह चुके हैं, इसलिए इसके लिए उनका प्यार साफ दिखता है। हमने फैसला किया है इस गरीबी को, अंधकार को प्रकाश में बदल देंगे। रजनीकांत इस बार किसी गैंग के लीडर के तौर पर नहीं, गरीबों की बस्ती के रॉबिन हुड बन के आए हैं। शेर बूढ़ा हो गया है मगर दहाड़ना कम नहीं हुआ। एक सीन में वो दुश्मनों से घिर जाते हैं तो कहते हैं, क्या रे सेटिंग किया है, वेंगई का बेटा अकेले खड़ा है, अगर हिम्मत है तो सभी एक साथ आओ। बहुत बजी सीटियां। रजनीकांत का इकलौता हथियार था इस फिल्म में उनका छाता, वो उसी से काफी एक्शन करते हैं। क्या रे सेटिंग किया है, वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है, अगर हिम्मत है तो सभी एक साथ आओ। बीवी प्लेड बाय ईश्वरी राव इज अ लाइवली वुमन जो इस दहाड़ते हुए शेर को भी काबू में रखती है। पूरा परिवार साथ रहता है। काला की शादी जरीना यानी हुमा कुरैशी से 15-20 साल पहले होने वाली थी, जिसमें विलेन ने आकर गड़बड़ कर दी। 15-20 साल बाद हल्के हल्के सफेद बालों वाली हुमा से जब वो फिर मिले तो वही नरमी और आंखों में नमी, हाथ पे गुदा हुआ उसका नाम। मगर मोरालिटी से पी ए रंजीत ने कभी भी लिबर्टीज नहीं ली, कीपिंग इट अ फैमिली फिल्म ऑलवेज। काला का नाम और रंग दोनों काला है और वो खुद कहते हैं, काला मेहनत का रंग, मेरे चौल में आकर देख गंदगी भी रंगीन लगेगी। ये देश के गरीब और मेहनतकश जनता को प्राउड फील कराने के स्वाभिमानी तरीके हैं। नाना पाटेकर की जितनी तारीफ की जाए कम है। मर्डरर टर्न्ड रूथलेस पॉलिटिशियन जो धारावी पर बिल्डिंग्स बनाने के लिए जाने भी ले सकता है। उसका घर सफेद, उसके कपड़े सफेद, उसकी गाड़ियां सब सफेद। काला कैसा नाम है रे? काला मतलब काल, काल हरिकालन जंग में लड़कर बचाता है। लेकिन तारीफ करूंगी मैं, पी ए रंजीत ने रामायण से प्रेरणा लेकर काला को राम और सफेद रावण बताया है। रावण का एक सर कटेगा तो दूसरा उग जाएगा। यहाँ ये रिजेंबल करता है उस रेवोल्यूशन को जिसका नाम है काला। एक मारोगे दूसरा लीडर आएगा। नाना पाटेकर को एज ऑलवेज बहुत इमोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ही इज सटल बट वेरी पावरफुल। इसने एक काम में जो भी बीच में आएगा मरेगा। इंटरवल के ठीक पहले का वो सीन जहां हरि आ तो जाता है चौल में मगर जा नहीं सकता काला की मर्जी के बगैर, पूरी जनता ब्लॉक कर देती है रास्ते। द सिनेमेटोग्राफी बाय मुराली जी इन दैट पर्टिकुलर सीन इज क्वाइट इम्प्रेसिव। साथ ही क्लाइमैक्स में काला की आखिरकार विजयी होना और रंगों का वो खूबसूरत इस्तेमाल, हवाओं में काला और नीला रंग उड़ना, विलेन के सफेद पर भारी पड़ जाना, देयर इज अ लॉट ऑफ सिंबलिज्म हियर। आई वांट टू मेक दिस कंट्री क्लीन। काला मेहनत का रंग, मेरे चौल में आकर देख गंदगी भी रंगीन दिखाई दे। लेट्स टॉक अबाउट द फ्लिप साइड। 3 घंटे की ये फिल्म 30 मिनट लंबी है। हुमा यानी जरीना कई देशों में स्लम रिहैबिलिटेशन करके इंडिया वापस लौटी हैं, लेकिन उनके डायलॉग्स में वो मैच्योरिटी नहीं है, ट्रैक में वो कंसिस्टेंसी भी नहीं है। रजनी सर फैमिली के दीवाने हैं, लेकिन जब नाना यानी हरी फैमिली मेंबर्स का मर्डर करवा देता है तो उसके बाद के कई सीन्स में वो ऐसे खुश दिखे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये डायरेक्टर की गलती है। ये शरीर ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, ये हमें दुनिया को दिखाना होगा। बुलाओ अपने लोगों को। रजनी सर के दामाद धनुष की इस प्रोडक्शन में आपको बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज जरूर नजर आएंगी, मगर फॉर रजनी फैंस इट इज अ पैसा वसूल फिल्म। रिश्ते सिनेप्लेक्स फिल्म काला को देता है 3 थम्स अप। काला दादा रावण।